क्रॉक्स है मेरे हील्स का है। अंकिता आ गई, पायल आ गई और हमारे बेली भाई। अरे मैं अभी नहीं सोया हूँ, दिक्कत ही तो यही है। नहीं, सुबह 6-7 बजे तक अपन अपना वो महफिल जमी हुई थी, गुड़ली भाई और सब लोग घंटा सो पाएंगे। अभी 2-3 बजे अभी वो हल्दी ये सारी चीजें हैं, नहीं सो पाएंगे। अभी अभी लोग लैंड हुए सब लोग। नहीं, लाइन तो हम लोग हो गए थे 1 बजे, फिर अंकित आधे घंटे बाद वेट किया। अच्छा, बहुत लोचा है भाई यहाँ पे अभी, बहुत ज़्यादा। और हम लोग आए सीधे 8 डिग्री से 38 डिग्री पे। 8 डिग्री की तरफ। अच्छा, ओ भाई भाई, आई मिस दिल्ली भाई। ऐसे हम लोग बैठे थे ऐसे, लेकिन मैं मिस करता हूँ यार। मतलब एक्चुअली पूरे साल में एक बार ऐसा होना चाहिए व्हेन यू कैन यूज योर विंटर क्लोथ्स। हाँ, वो तो है ना यार, अपना विंटर भाई यार, जैकेट लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट गो देयर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रिकिंग व्लॉग। दिस इज दिस इज अ फ्रिकिंग व्लॉग। ओके, माय व्लॉग्स आर ऑलवेज फ्रिकिंग। सो दिस इज द फ्रिकिंग डे वेयर द फ्रिकिंग बीइंग्स is going to marry freaking princess and they are going to be officially princess or freaking. Zyada cultures ki shaadi maine attend nahi kari hai, jiski wajah se I am really excited, kyunki matlab ye to matlab bahut hi variety of wo honge aaj to ceremonies jo mujhe dekhna hai. To abhi hum aaye guys, mera to already check in hai. Piddi ko chhodne ke liye aaye hain uske room pe, aur kyunki Piddi ko room nahi mil raha tha. हाँ, तो तुम्हारा रूम ये है, खोलो भाई, क्या देख रही हो भाई मेरा। अच्छा, सो हम लोग आ चुके हैं पिद्दी के रूम में भाई। ये तो कते हल्का सा जो है वो, हाँ, अटलांटिस का फील दे रहा है भाई, तो वही अटलांटिस का। तो खैर, हाँ गाइस, अभी हमें फ्लीट भी मिला था, गेमर फ्लीट, और उससे भी अपनी बातचीत हुई। व्लॉग नहीं बनाया उस वक्त क्योंकि इतनी तेज तेज बातचीत और इतना मिलन और वो सब हुआ कि उसमें मैं भूल गया। हालांकि उसने रिकॉर्ड कर लिया कि हम जो है अभी हल्दी के, या ही वाज फास्ट एंड आई वाज नॉट, तो लेकिन हम लोग पकड़ लेंगे, यू नो ना स्पीड तुम्हारे भाई की, ऐसे ऐसे घुसता चला जाता है सांप की तरीके से। यस, तो अभी हम लोग हल्दी में मिलेंगे। उस समय पूछ लिया, हल्दी में आ रहा है ना, उसने बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है बेटे, तो अभी उसको भी पकड़ेंगे और बाकी लोगों को भी पकड़ेंगे, देखेंगे वो लोग क्या पहन रहे हैं। अभी हम कृतिका हमारे लिए एक चाय बनाएगी और फिर इस बार हम यहाँ से फक ऑफ हो जाएंगे अपने कमरे में। कृतिका एक चाय बना दो, कृतिका प्लीज चाय, वन चाय, इधर ऑर्डर और कुक, आई डोंट नो, जस्ट मेक वन टी। सो गाइस, अभी टी नहीं, आई नॉट पे, आई नॉट पे। गाना सुनाने बोला था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने को नहीं बोला था। झूम रही थी, झूम रही थी। क्यों? तुम यहाँ अकेले रहोगी, डरोगी नहीं? मेरे रूममेट आ रही, कौन है तुम्हारी रूममेट? पायल आ रही, जा। पायल आ रही है, तो ठीक है, हम पायल से ही मिल लेंगे। तुम पहले हमें चाय परोसो भाई, चाय परोसो जल्दी से भाई। क्या प्लीज यार, हैव सम डिसेंसी, आई एम एल्डर देन यू, प्लीज परोस चाय। तो भाई आप खुद ले लीजिए ना, या फिर भाई कैन नॉट टेक बिकॉज़ हिज हिज हैंड्स आर फुल। मैम बैठिए बैठिए बैठिए, आप प्लीज परोसिए, हम आपको जो है दिखाते हैं लोगों को कि आप कितनी घरेलू टाइप की लड़की हैं। उसके बाद सेड रिश्ता, यस, आपके लिए एक भी नहीं आएगा। आएगा, आप ये मेरी है, अब निकाल लेना। हैं? नहीं, ये मेरी चाय है। थैंक यू। नी, एक आप यहाँ भी हैं कर रहे हो, वो लोग तो मैं करते ही रहते हैं। क्या करूं, पूरे दिन यही सुनता हूँ घर में। सारे यही यही सुनता हूँ पूरे दिन घर में। आग खुलती ओ दो तरफ से चलती रहती है घर में। अबे चाय ले ले। हाँ, अब चलो ब्रेड जैम भी लगा दो। पागल हो क्या? गरम चाय की फियालियो, रस को पिलाने वालियो।
मैंने नहीं दी आपको चाय, ठीक है? हैं चाय दे साला, मैंने नहीं चाय 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 ऑसम चाय भाई, चाय इज लव भाई। जितने भी लोग चैट में चाय लवर्स हैं, यू कैन बी माय ब्रदर्स एनी टाइम यू वांट, एंड सिस्टर्स आल्सो। यस, सॉन्ग्स चल जाते थे, सॉन्ग्स चाहिए तो भाई नाश्ता कर रहे हैं तो खामोशी से नाश्ता होता है। एक ही से लगानी होती बटर? हाँ, पागल यार, मम्मी बनाती है मेरे लिए तो। तो कभी कर लिया करो। आपने क्या किया था लास्ट, मेरे को बताओ। मैंने लास्ट? हाँ भाई, मैं रोज अपने लिए खाना गरम करके खाता हूँ। वाह, गरम तो मैं भी करके खाती हूँ रोज माइक्रोवेव में। हाँ, ये काम करा है आपने? हाँ, बहुत बड़ा तो चला गया। So guys, finally woke up and all ready for the haldi ceremony and बहुत सिंपल सा आउटफिट है मेरा, आप लोग देख चुके होंगे शायद, लेकिन मतलब फिट होके एंड टोटल मेरा जो गेटअप है बहुत सिंपल कैजुअल है, दिखाता हूँ मैं। सो यस, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, येलो कुर्ता एंड एक बहुत क्यूट सी ये चप्पल है एंड अपना वाइट पजामा विद द वन एंड ओनली क्यूटी, हमारा गिफ्ट। गिफ्ट क्या मतलब, एक दिन मूड किया और हमने ले लिया उठा के, यार ये घड़ी प्यारी लग रही थी, आज इसको पहनने का दोबारा से मौका आया है। तो अभी प्लान कुछ इस तरीके से है कि गोल्डी भाई थग और अपने एक दो लोग और वो एक विला में ठहरे हुए हैं एंड हम लोग यहाँ पे होटल में हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ कृतिका को उसको उसके रूम से पिक करने के लिए एंड देन फिर हम लोग इवेंट में चलेंगे, क्योंकि इवेंट जो है वो 2 या 3 बजे होना था बट वो ऑलरेडी लेट हो गया है, 5:15 हो रहे हैं। तो मतलब हम लेट नहीं है, हाँ 15-20 मिनट शायद लेट है हम, लेकिन प्रपोज टाइम ये हो गया था कि कुछ 4:30-5 बजे तक स्टार्ट होगा। सो अभी हम लोग चलते हैं एंड बधीर को उठाते हैं, बधीर भी रेडी हो गई है, उन्होंने ही कॉल किया था तो मैं सो के उठा, जल्दी जल्दी नहाया एंड तैयार हुआ एंड फिर उसके बाद अब हम चलते हैं उनको उनके रूम से लेने एंड फिर उसके बाद इवेंट में चलते हैं सीधे और मिलते हैं लोगों से। हेलो, हाँ दरवाजा घंटी बजा रहा हूँ, कटकटा रहा हूँ, खोल नहीं रही हो, तैयार नहीं हुई क्या? आप हो क्या? हाँ क्यों है आप हो क्या, क्या क्या मतलब है, खोलो ना। नहीं नहीं नीचे मिलते हैं वेन्यू पे। अरे मैं यहाँ तक चल के आया लेने के लिए, नीचे मिलते वेन्यू का क्या मतलब है? तो जिस पैरों से चल के आए हो उसी पैरों से नीचे निकल लो। नीचे निकल लो? मजाक कर रही हो सच में? तो सच में नीचे आते हैं, अजीब हाल आते हैं यार। सपना टूटा है तो दिल कभी चलता है। हेलो, यस दूल्हे राजा, ऐसे ड्वेल के लोग आ चुके हैं, आ जाओ। हम आ रहे हैं इन 2 सेकंड्स। जल्दी जल्दी। यस आई एम रेडी माय बॉय, आई एम कमिंग। मांबा माल लग रहे हैं, मांबा माल लग रहे हैं। क्रू फैम किधर है मांबा? क्रू फैम बोली कि जो वो आएंगी लेकिन वो आ ही नहीं पाए, मतलब मैं गया उनको लेने के लिए, बोली कि सीधे वेन्यू में मिलेंगे। मुझे क्या पता क्यों कर रही है, लोग का भी नखरा होता है ना, लोग का नखरा होता है, नखरा खत्म नहीं हो रहा है। बोला मांबा उठाओ, यू साइंड अप फॉर दिस गाइस, मांबा साइंड अप फॉर दिस। हैं हां और क्या किसका शादी है? किसका शादी है? तुमने कब बनाया? एक हफ्ते पहले। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ। मामा तुम फीके फीके लग रहे हो यार। मामा तो अच्छे नहीं, थोड़ा नहा दो क्या मामा? थक बुला रहा है।
तुम जाओ यार, वो ऐसी भी लग सकती है यार। मैंने तो हमें वो वाला सीन हो गया यार अपना, कुछ कुछ होता है वाला, काजोल टॉम बॉय पे एकदम से ऐसे निकल गया। अच्छा हाँ, मैं समझ गया वो है ना, थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी लग सकती है। अच्छी लग रही। आओ चलते। तो गाइस मैं अभी फोटो अपलोड कर रहा हूँ ये वाली, मैंने कैप्शन पूछा इसलिए मैंने सिड भाई के हाथ में दे दिया, स्नैक्स भी मदद करने के लिए हैं, बधिर भी है, लेकिन फिर इंस्टाग्राम किंग हमारे उतर के आए और उन्होंने दो अल्फाज कहे, बताइए रुक जाओ, लोग मुझे आके छूने लगे, उन्हें लगा मैं ही हल्दी हूँ। घटिया से कहाँ से निकल आया हल्दी सेरेमनी। नहीं माफ करिए, मेरा भी टाइम है। तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हारी हुई थी? मैंने तो यार, मुझे मेरे पास फोटो भी है, मैंने पूछा कैसा लगा, कह रहे फोटो और कैसे लगेंगे, कैसा लगा था? क्या पूछ रहे हो, कैसा लगा था यहाँ से कहाँ का हल्दी लगा? नहीं यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे लगा था क्या लगा था? उन लोग का एक तरीका होता है, इधर मारते, इधर 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 क्या मारते, इधर 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 मारते, इधर मारा, हाँ मारे थे ना, अरे वही सब मारे थे, अब जो रिले वाले थे वो लोग मार रहे थे, पैर पे ऐसे ऐसे भी लगाते, बट मैंने रोक दिया था उन्हें, रोक दिया था। रीजन ये था कि मैं ना वो रेजर वेजर सब क्रीम रीम करके आया था, तो उस पे हल्दी लग रही थी ना, तो मेरा पूरा छरछरा रहा था, तो मैंने मना किया कि इधर कोई नहीं लगाएगा, तो हल्दी नहीं लगा रहा था जस्ट बिकॉज तुम्हारा वो करके आया था। अरे ऐसा नहीं है, ब्यूटी 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 कॉन्शियस, वो क्या बोलते तू, आ रहा है रसम है, ठीक है माना, लेकिन रसम में हम थोड़ी अपना चेहरा खराब कर ले, सही बात है, लेकिन बताओ तो लगा कैसा था? अच्छा लगा था, मतलब अब बोला है एक मिनट 40 सेकंड के बाद अच्छा लगा। इतनी जल्दी हल्दी की सेरेमनी खत्म हो गई, अब सब भाग रहे हैं यहाँ वहाँ कपड़ा चेंज करने के लिए, तो तू लाया? मैंने तो बटन अभी से खोल लिया, मैं भी खोल लेता हूँ। संगीत के लिए कुछ लाया? किस कलर का? मरून, मरून मरून में डांस करता है, हम देखा है ना, हाँ ऐसा करके वो एक पार्टी था जिसमें नमन अपना पूरा हार्ट आउट नाचा है। तो गाइस अभी मैं छोड़ने जा रहा हूँ इन लोगों को इनके होटल, फिर मैं अपने होटल आके चेंज करूँगा भयंकर, मुझे पता है आप दिख नहीं रहा हूँ मैं, बट समझ जाओ मैं कह रहा हूँ 1800 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज किया है, ठोक मत दिएगा और पैसा लग जाएगा, ठीक है ना, 1800 ना, हाँ हाँ ठोकिएगा मत बस, ठीक है प्लीज आराम से चलाइएगा। Bye snakes. संगीत पे डांसिंग होगी, आ रहे हैं, आ रहे हैं, फाड़ देंगे, फाड़ देंगे, मैं हाँ मैं यहीं पे हूँ, चलो मिलते हैं, हाँ 100%। हेलो ब्रोस्की, हाँ भाई मैं बोल रहा था, कब तक हो आप यहाँ? मैं तो 27th को जाऊँगा। 27th को कब आपकी फ्लाइट? अभी बुक नहीं करी है। अच्छा अच्छा, हाँ हमारी भी ऐसी है, मतलब 27 के रात के 12 बजे के आसपास के, हाँ तो तुम तो अच्छा, तुम तो घूमने जाने वाले थे ना 27 को? हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि 27 को कुछ प्लान बनाते हैं, अगर घूमने का बनता है तो आप बताना, नहीं कर सकते हैं, ठीक है मैं फिर अपना, अभी मैंने बुक नहीं किया, मैं उसी हिसाब से फिर प्लान करता हूँ। अभी तो आ रहे हो ना संगीत में, अभी मिलता हूँ मैं, अभी साथ में जो है मस्ती करते हैं, ठीक है ना, आता हूँ मैं 8:15 तक आता हूँ वहाँ पे। ओके ब्रो, ओके बाय बाय। मम्मा किसको ढूंढ रहा है इधर उधर? अरे यार अपने लौंडों को ढूंढ रहा हूँ, आए नहीं, संगीत की सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, देख नहीं रहा इनको, देखो ऐसा लग रहा है इन्हीं का रिश्ता अगला लगने वाला है। सुनो बोलो जुबान केजरी, यार मैं इसलिए नहीं पता पहनी थी रेड, कल जैसे शादी है, तुम मुझे ये बताओ किस साइड से, नहीं मुझे मुझे बैक स्टोरी, मैं दुल्हन के साथ आऊंगी। तुम दूल्हन के साथ आ रही हो? मैं बारात में, तुम विंग्स के साथ नहीं आ रही हो? मैं विंग्स के साथ भी आ रही हूँ, याद रख लेना ये विंग्स के साथ नहीं है, मैं दोनों के साथ आ रही हूँ, गोल्डी भाई सब लोग याद कर लेना। अच्छा माफिया बिल्कुल बाजू में खड़े हो कृतिका के, और फिर कृतिका को देखो, बच्चे बच्चे लोग भाई, कभी भी शादियों में जाता था ना ऐसे भी इतने से बच्चे भागते होते हैं, ठीक है जब वो खाना खाने खाना खाने के टाइम ऐसे बच्चे थे सीधा आगे, वो मेरा भाई बोलता था ध्यान से चल ध्यान से चल, बच्चे हैं नीचे। अच्छा अभी भी है पैर के इतने बच्चे भागते रहते हैं ऐसे, कृतिका आप लग तो रही हैं यार, जय
सुन तो लो बेकार। अरे मैंने बोला लग तो रही है, उसके आगे बताया मैंने, अब बता रहा हूँ बेकार लग रही है। अरे अंकिता क्यूट है, क्यूट तो है, क्यूट तो है। गोवा के जयकान शिकरे आ चुके हैं एंड ये उनके साइड के चलो साइड रास्ता साफ करो, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, घर जाएगा। तो गोल्डी भाई ने बहुत ही अच्छा आउटफिट पहना हुआ है और घड़ी तो मेरी छोड़ दो। गोल्डी भाई चमक तो रेले, चमक रेले गोल्डी भाई, और गोल्डी भाई के बाल भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। गुची पहने हुए, गुची पहने नहीं है, गुची का चश्मा है, लटका के छोड़ दे। तो ये मैंने डिजाइन करा हुआ पूरा ऑल ओवर। चल चल तू तेरा हो गया, जा तेरा हो गया, तू तारीफ कर दो। डिजाइन किया हुआ है तुमने, गुची का चश्मा डिजाइन किया, मैंने तुमको डिजाइन किया। तो व्लॉग एंड करते हैं गाइस, बाय बाय और बाद में मिलते हैं। थैंक यू गोल्डी भाई गाइस फॉर द फर्स्ट एवर टाइम मिस्टर गेमर फ्लीट ओनली हमारे व्लॉग में, मुझे लगता है। अच्छा हाँ मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि जब मैंने जब वैलोरेंट में ऐड हुए थे हम लोग एक बार शायद तन्मय भाई के साथ खेलते में, तब फ्लीट का रैंक मुझसे कम था और आज मुझसे ज्यादा है। वो तो फ्लीट, जिन लोगों को नहीं पता है तो फ्लीट की ग्राइंड वैलो में, माइनक्राफ्ट में हो ना हो लेकिन वैलो में तो बहुत भयंकर चल रही है, डायमंड डायमंड हो गया भाई। आप तो लाइफ में ग्राइंड कर रहे हो मस्त यार। नहीं अरे भाई इससे ज्यादा नहीं करता मैं भाई, बंदा जिस तरीके से दो चार चैनल चलाता है ना भाई, एपिक शिट भाई। लेकिन बहुत मस्त अपना जमेगा। मैं तो खुद खुश था भाई, मेरा सीन क्या था कि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, मतलब दीदी के साथ आया हूँ, बट मैं एक तरह से गिरा हूँ तो मेरे को ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा समझो ना, ऐसे अकेले अकेले में बोर हो जाएंगे थोड़ा सा, फिर जैसे मेरे को बदला मामा भाई आ रहे हैं भाई, बस आज तो बिजी रहेंगे, आज तो बर्थडे नाइट है इसकी सिस्टर की, वो पूरा एपिक शिट जो है अपना एंजॉय करना, फिर कल अपन पूरा मचाएंगे शादी में सारा टाइम डांस, कल डांस पूरा कर देंगे। आज बहुत करना, बहुत दिल था इसका डांस का, हो नहीं पाया वो पूरा। वो भाई अच्छा बचा लिया हमने, वो तो वरना हम लोग ठुमके ठुमके लगे होते, ये तो खुद जाता मुझे भी लेकर जाता। मैं यहाँ पिछारा मामा भाई चलो यार वहाँ डांस हो रहा है, बिंग्स भाई अकेले पड़ गए चलो यार। हाँ लेकिन एक बार बिंग्स बोल देता ना कि अपने को चाहिए ये सब, फिर तो नो लूज एंड भाई फुल अपना सीधा मचा देते, वहाँ डांस फ्लोर ही तोड़ देते तोड़ देते। अभी 11:10 हो गए मुझे लगता है, तो मैं निकल जाना चाहिए। केक कटिंग यहीं पे सोच रहे हो? नहीं वही रूम में ही करेंगे। अच्छा अच्छा रूम में, फिर निकलोगे? फिर हम लोग यहीं पे रुके हुए, आज रात नहीं जा रहे? नहीं। आज रात जाओ यार गेड़ी मारो, मतलब हो सकता गाड़ी रेंट करिए तो मजे। ये तो बात तो सही है भाई, बात तो सही है, जा भी सकते हैं। हाँ लेकिन मैं बताया इसको एक जगह, वहाँ जाना अगर पार्टी करने का मन हो, चिल करने का, वही ये सबसे बेस्ट है गोवा में। डन 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 सीन, कल अपना मचाएंगे ठीक है, बाय बाय। ओके चल बाय। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आज भी गाइस बहुत ज्यादा लेट हो गया, 7 बज गया करीब। मैं थक, मर्सी और जरेफ भी आ गया था मुंबई से आज के दिन के इवेंट को अटेंड करने के लिए, स्नैक्स भी था, हम सब लोग बैठे बात बात कर रहे थे एंड एवरीथिंग। सो अभी मैं जा रहा हूँ, जाके सोऊंगा क्योंकि 4 बजे करीब अपने को पहुँचना है इवेंट में, तो अभी 7 बज रहा है, मेरे को 8 घंटा मिल जाएगा स्लीप का अच्छा खासा, बहुत दिन में, मतलब व्हाट आर दी ऑड्स कि मैं वेकेशन पे आया हूँ, मैं फिर भी नहीं सो पा रहा हूँ। सो यस लेकिन आज मुझे मिल जाएगा सोने को ज़बरदस्त बढ़िया तरीके से। मिलते हैं गाइस आप लोगों से आज के ब्लॉग में, आई होप आज का दिन मज़ेदार होगा, नहीं होगा तो अपन बना देंगे, अपन में टैलेंट कम है क्या। मिलते हैं गाइस आप लोगों से अगले ब्लॉग में, अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, बहुत ज़्यादा प्यार देना ब्लॉग को, इट टेक्स ओनली 2 सेकेंड्स प्यार देने के लिए, चाहे वो लाइक हो चाहे कमेंट हो, लेकिन कर दिया करो यार, थोड़ा सा छोटे से दिल के हाल जो है ना अच्छे हो जाते हैं। ठीक है गाइस मिलते हैं आप लोगों से, अंटिल देन बाय बाय।